स्वागत है आप सभी का हमारी दुनिया विलेज लाइफ पर। आज आपको क्या दिख रहा है हमारे सामने, ये है मसूर, खड़ी मसूर। तो मसूर का हम क्या करते हैं, दाल बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं और बहुत सारी रेसिपीज की बनती हैं। लेकिन मित्रों देखो, हमारे सामने क्या समस्या जाती है इसे स्टोर करने की, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत जल्द लग जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताती हूँ जिससे आप इन दालों को या इस मसूर को स्टोर करके रख पाएंगे। दाल जब इसका दल कर बना जाता है, वो पिंक कलर का होता है ना, और आपको दिखता है इसमें छिलके निकले हुए रहते हैं, और ये छिलके वाली मसूर है, साबुत मसूर है, तो इसकी दाल बहुत ही अच्छी लगती है। मैं प्रायः साबुत मसूर की ही दाल बनाती हूँ। अब देखिए, अभी मसूर का सीजन था कुछ दिन पहले, तो मैंने इसे इकट्ठे ही खरीद लिया है। अब इकट्ठे खरीदने के बाद हमें हमारे सामने जो समस्या आती है कि वो इसे हम स्टोर कर कैसे रख पाएँ। कुछ दिनों बाद इसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, खास तौर पर बरसात के मौसम में। चलिए आपको बताते हैं कैसा तरीका, आप इसको ज़रूर करिएगा, आपकी दालें ख़राब नहीं होंगी। आप सिर्फ मसूर ही नहीं, इसके अलावा आप खड़ा उड़द हो, खड़ा मूंग हो, या फिर अरहर की दाल जो होती है, मटर की दाल जो होती है, उनको भी अभी यदि आप इस मेथड से रखेंगे तो वो भी जल्दी ख़राब नहीं होंगी। चलिए बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो आपको एक लेनी है कढ़ाई या बर्तन फ्राई करने वाली, जिसमें आप पूड़ियाँ तलते हैं, सब्जियाँ बनाते हैं, वैसे आप बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए और मसूर को उसमें डाल दीजिए। गैस पर रख दीजिए और उसे धीमे धीमे हल्का हल्का सा रोस्ट करिए। देखिए, उसको तेल वेल नहीं डालना है इसमें, ना ही इसको फ्राई करना है, कुछ नहीं, सिर्फ गर्म करना है। अब तो आप सोचेंगे गर्म कैसे करना है। देखिए, जैसे आप इस पर रख दिए ना ये मसूर, ऐसे हाथ मुट्ठी में पकड़ेंगे तो आपका ये इतना गर्म रहेगा आप मुट्ठी छोड़ दे तुरंत, है ना। इस तरीके से गर्म हो जाना चाहिए। जब गर्म हो जाएगी मसूर, उसको आप भून लें अच्छे तरीके से ऐसे, तब आप इसे रख दें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाए उसके बाद इसको डिब्बे में भर करके रख दीजिए, और आपकी यह मसूर या कोई अनाज, चाहे आपने खड़ा मूंग रखा हो, खड़ा उड़द रखा हो, या फिर अरहर की दाल कोई फिर रखा हो, ख़राब नहीं होगी। और हम तो स्वाद भी इसका जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। आप ये ना डरे कि यदि आप इसे रोस्ट कर देंगे तो इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा, स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आपको याद हो, आप कभी गाँव से बिलोंग किए रहे हों, तो बचपन में देखा होगा जब अरहर से घरों में दालें बनाई जाती थी तो अरहर को रोस्ट किया जाता था। मैंने तो देखा था, मेरी मम्मी लोग किया करती थी, बड़ी सी कढ़ाई में लेकर के अरहर को एकदम पूरा गर्म करती थी, गर्म करने के बाद ही उसे चक्की में डाला जाता था, फिर वो दाल बनती थी, तो दाल बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी। आप देखेंगे बाजार से जो दाल आती खरीद के, उसमें उतना स्वाद नहीं होता जितने पहले घर की बनाई हुई दालों में हुआ करता था। उसके पीछे का कारण यही हुआ करता था। ये देखिए, हमारी जो मसूर है वो हमने रोस्ट कर लिए, लगभग इनको सिर्फ गर्म करना है बस। इसे आप उसे बहुत तेज़ आंच पर नहीं करना है, धीमे धीमे आंच पर इसे आपको गर्म करते हैं। और हाँ, ऐसे हाथ से पकड़ कर चेक करते रहना है कि गर्म हो चुके हैं नहीं। जब ये गर्म हो जाए तब आप इसे निकाल दीजिए, और इसी तरह से आपके पास जितने भी मसूर हैं उन सभी को आप गर्म करके रख दीजिए, तो आपकी मसूर एकदम सुरक्षित रहेगी। तो मित्रों, दालों को सुरक्षित रखने का यह तरीका आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, आपकी और कौन सी समस्या है जिससे आप बहुत परेशान हैं, हमें बताइए कि कमेंट करके, हम जरूर उसका निदान आपको बताएंगे। मिलती हूँ आपसे एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। अब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने दालों को सुरक्षित रखें और स्वादिष्ट भोजन बनाते और खाते रहें। थैंक यू, बाय बाय।